हुकूमत के काम है जो वो नहीं कर रहे, लेकिन वो ये कर रहे हैं। तो ये घर बैठे नहीं रहे और उंगलियाँ उठाते नहीं रहे, इन्होंने हिम्मत की और ये खुद उठे और उन्होंने जाके ये पैगाम पहुँचाया। बताया कि सुदरपुर और फला फला जो गरीब ने कभी जिंदगी में मरते तब तक सोचा भी नहीं होगा, आज उनको खाने को मिल रहा है। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है, अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की अता फरमाए। ज्यादा से ज्यादा होता है इस इंसानियत की खिदमत में इनका साथ दें, क्योंकि लोगों की बातें सुनने को मिल रही, यहाँ देखने को मिल रहा है कि हो रहा है। आज जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है, बहुत बेहतर काम हो रहा है। आप लोगों को भी चाहिए कि अपने वक्त को यूटिलाइज करें इस खिदमत के अंदर और आगे साथ काम करें और अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ करें। कि मैंने ये देखा है कि आपने जितना भी काम किया, आपने ये नहीं देखा कि ये इसका किस मसलक से इसका ताल्लुक है या किस मजहब से है या किस, आपने मंदिरों को भी भेजा है। मुझे पता चला है कि आपने चर्चेज की तरफ भी, आपने सिंध के अलावा आप बलूचिस्तान, आप हर तक भी गए हैं। ऑफकोर्स एंडोर्समेंट जाती है जफर अब्बास को, जो कि JDC इतने अरसे से रन कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्लाउड है, हरदिल अजीज है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को उनका नाम पता है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को उनका नाम पता है। चारों तरफ जो हालात देख रही हूँ और जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, मेरी जबान मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, मेरी जबान बताने से कासिर है कि किस तरह से यहाँ लोगों की इमदाद हो रही है और हकीकतन हो रही है। यहाँ आने का मकसद ये है के जफर भाई को हम जो है ना जितना और गुस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसा लग रहा है कि असल हीरोज जो है वो JDC के लोग हैं और जफर भाई हैं, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी से कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट में ये लोग अपनी हैसियत से, अपनी कैपेसिटी से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त ये देख के दंग रह गया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से ऐसे लोगों की वजह से निकल जाएगा, JDC की वजह से निकल जाएगा। माशाल्लाह ऑर्गेनाइज तरीके से और इतना ज्यादा, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस मच। सर आप फखर पाकिस्तान है, सर आप फखर को कायम और दायम रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू। मैं आपको कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ JDC को, एट द सेम टाइम JDC सर्विंग ह्यूमैनिटी। प्लीज गाइस हेल्प देम आउट एज मच एज यू कैन, लव यू ऑल, टेक केयर। मैं पहले तो सफर का, इनकी पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने वेलकम किया हमें और इस कॉज के लिए हमारा साथ देने का, क्योंकि ये कराची के खिदमतगारों में से एक है। जफर को मैं ये कहूँगा कि हम उनके साथ हैं और जिस तरह भी हमारी ज़रूरत हुई, पर्सनली भी आके हमें करना हुआ तो हम करेंगे, और उनका बहुत अच्छा इकदाम है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो जो लोग आपके साथ ये हिस्सा मिला रहे हैं या आपके साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी ताते सलामत रखे। JDC की पूरी टीम को सैल्यूट करते हैं हम, कि जिस तरीके से उनकी पूरी मशीनरी आई हुई है और जिस तरह से वो सफाई कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, पूरे खासे मशीन पेश करते हैं उनको। कई लाखों के यहाँ कपड़े हैं हो जाने हैं और राशन करोड़ों के आ रहे हैं, और ये पहली रमजान से पहले से ये शुरू हुआ हुआ ये बंदा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, और ये थक नहीं रहा बांटने में, लोग थक गए। ले JDC जैसे कि आप जानते हैं ये सिर्फ पूरे शहर की ओनरशिप नहीं लेते, ये पूरे मुल्क की ओनरशिप लेते हैं, जब इतनी जबरदस्त इन्होंने कैंपेन निकाली। JDC फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो डेली के हिसाब से 10,000 फैमिलीज को राशन प्रोवाइड कर रहा है। अल्लाह ताला इनके साथ, जो इनकी टीम है जफर साहब के साथ, उनको इसी तरह से काम करने की तौफीक देता रहे और इनके काम को आप लोग सराहते रहें और JDC को आप लोग अप्रिशिएट करते रहें। JDC इस टाइम पे जो अपना काम कर रहा है वो बेस्ट है पूरे पाकिस्तान के अंदर। आई डोंट थिंक सो कि कोई और फाउंडेशन ऐसी है जो इस टाइम पे इस तरह इतना बड़ा सेटअप लगा के बैठी हुई है। जफर की और JDC की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने राशन वगैरह का काम किया है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, और हम भी इसको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी पूरी आवाम को चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे। भाई जो कि JDC में है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। जितनी हो सके दिल खोल के डोनेशन दीजिए आप JDC में। थैंक यू वेरी मच। एक शख्सियत है जफर अब्बास, ये काफ़ी लोगों के राशन उनको देने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सल्यूट टू यू जफर अब्बास। जफर अब्बास साहब तकरीबन रोज 30 से 35 हज़ार लोगों को राशन बंटवाते हैं, ये बहुत नेक काम है। अल्लाह जफर अब्बास साहब को लंबी उम्र दे। उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए और बाकी तमाम कम्युनिटीज के लिए एक्चुअली JDC ने बहुत ज्यादा काम किया, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल टू मेक योर डोनेशंस एंड टू सपोर्ट दिस वेलफेयर ट्रस्ट, एंड प्लीज
जेडीसी की हेल्प करें इसी तरह से। बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया और हमें ये गिफ्ट दिए। वी आर वेरी थैंकफुल एंड वी फील अप्रिशिएटेड एंड फील गुड अबाउट इट। होपफुली वी विल बी एबल टू सर्व मोर। डीसी फाउंडेशन जो 5 जून को एक्सपो सेंटर में बाजारे मेहरबान लगा रहे हैं और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा आइडिया है। पहले जेडीसी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मैं बाजार मेहरबान जो रमजान से पहले होने जा रहा है 5 जून को, जो दुनिया का सबसे मुनफरद एक अलग और एक बेहतरीन चैरिटी इवेंट है जिसके अंदर मुफ्त लोगों को, जरूरतमंद लोगों को चीजें दी जाएंगी। जेडीसी का मैं जिक्र जरूर करूंगा यहाँ पे कि जेडीसी के कोई जफर साहब हैं, मुझे वो वहां पे मिले भी थे, जिनको सिंध हुकूमत ने कहा था कि जी आप लोग खुद ही संभालें सिस्टम, क्योंकि मैं वहां मौजूद था, मैंने देखा कि जेडीसी ने बहुत अच्छा सिस्टम वहां संभाला। उसके बाद वो फैलते फैलते कराची में माशाल्लाह आ गए। तो जो बंदे की तारीफ हो, जिसकी अल्लाह इज्जत रखे, उसकी तारीफ करनी चाहिए। सच पूछिए, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है कि बहुत अच्छा काम इतने सारे लोगों के साथ, जफर भाई अपनी पूरी टीम के साथ, माशाल्लाह। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो सिर्फ, जब से आया हूँ सिर्फ दुआएं निकल रही हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कि ये बस ख़त्म ना हो। उन्होंने मिलकर कराची के अंदर जो राशन का सिलसिला शुरू किया है मेरे भाइयों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, ये बहुत बड़ा काम है और जफर अब्बास साहब इसे बखूबी कर रहे हैं। मेरी दुआएं जफर अब्बास साहब के साथ हैं। जिंदगी में कहीं भी कभी भी आवाज देंगे तो मैं नंगे पांव चलाऊंगा। कराची के वासियों को फख्र होना चाहिए जफर अब्बास जैसे नौजवानों पर जो इस कदर मिल्ली जज्बे से सरशार होकर इस क्राइसिस के दौर में ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब इतने सारे लोग हर इदारा अपने अपने तौर पर काबिज कर रहे हैं, उसमें भी अगर एक इदारा बिल्कुल आपको मुमताज नजर आए तो इसका मतलब है कि वाकई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट हो रही है और वो एफर्ट यहाँ नजर आ रही है, जो भी चाहे वो यहाँ पर आके देखें। देखिए यहाँ तो मैं पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये काम जो है ये इंसानों का है या फरिश्ते जो है इसमें शामिल होकर इतने बड़े बड़े काम करा रहे हैं। इस वक्त जितना डोनेट कर सकते हैं आप करें, रमजान का वेट नहीं करें। ज़कात हो, सदका हो, खैरात हो, अतिया हो, जो भी हो, इस वक्त दिस इज द मेन टाइम। बहुत लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, आई पर्सनली सपोर्ट देम। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर उनकी मदद करें ताकि उनका काम मजीद आसान हो। सब लोग एक आवाज होकर बात करो और इस वक्त हमारे यहाँ जरूरत भी इस बात की है कि ये जो तफरीत है और तकसीम है लिसानी और मसलकी की बुनियादों के ऊपर, ये खत्म होनी चाहिए और कोई भी ऐसी कोशिश जिसमें इन तमाम इकाइयों को जमा करके एक वाज़े पैगाम और मैसेज दिया जाए, ये काबिल कदर है। मैं जेडीसी और जफर अब्बास का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इन नामसायद हालात में एहतजाजन कराची का कचरा उठाने की मुहिम जारी रखे हुए हैं और वो इसकी गंदगी को साफ करने का कार्य किए हुए हैं। मुहिम शुरू की है जफर अब्बास भाई ने जिसका नाम है अब होगा साफ कराची। अगर आप में से कोई भी एक बंदा वो देख रहा है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है तो प्लीज आपकी इंडस्ट्री में जो भी बनता है आप प्लीज डोनेट कर दें। आपका 1% भी दिया हुआ पता नहीं कितने घरों के लिए फायदेमंद होगा। कराची में या सिंध के अंदर जो काम हो रहा है वो जेडीसी में जफर अब्बास के नाम से हो रहा है। हकीकतन ये मकसद ये आपके चेहरे पे ही बात करनी नहीं है, जो हमने देखा वो हमने आके कहा। आप एक सच्चे पाकिस्तानी हैं, मोहब्बे वतन हैं, दुनिया के दुख जो अपने दिल में लेके घूम रहे हैं, दिन रात जाग रहे हैं, आपको मेरी तरफ से दोनों हाथों से मोहब्बत। आप इसी तरह से आए, आप फोन भी कर देते बहुत सर। अल्लाह अल्लाह खुश रखे आपको, हम आपको अप्रिशिएट करने आए। जेडीसी किस तरह काम कर रहे हैं, इवन के सिर्फ कराची में नहीं सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में राशन पहुंचा रहे हैं, ये सारी कैंपेन हम और आप इस वक्त जिंदगी में देख रहे हैं और वो सब देख के ही मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मुझे आइडिया हुआ है कि यार एक ये बहुत बड़ा सेटअप है, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतना राशन एक साथ कभी देखा आज देखा है। जानिब से जेडीसी को और जेडीसी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं और वर्कर्स हैं, दिल की गहराइयों से उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद फॉर ऑल द वर्क दैट दे आर डूइंग। अल्लाह इनको रिवॉर्ड करे, प्लीज इसी तरह काम करते रहना। जेडीसी एक इदारा है जिसके रूए रवां जफर अब्बास साहब है। दाद देता हूं वो कैसे दिन रात मेहनत करके लोगों के लिए
राशन इकट्ठा करके मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ इलाकों में उनको पहुंचा रहे। वाह सुभान अल्लाह, देख के दिल खुश हो गया। मैं JDC को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बर वक्त ये इकदाम किया, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल था कि अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो कभी नहीं, लिहाजा अभी ही और अब होगा साफ कराची। बहुत खुश होती हूँ देखकर कि आजकल JDC और जुनेद जमशेद ने सफाई की मुहिम का आगाज किया है JDC की तरफ से, और मेरा माय हार्ट गोज आउट टू दिस पीपल, वंडरफुल वर्क। एशिया का सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन है जो JDC कर रहा है। मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी नेक तमन्नाएं JDC के साथ हैं, प्लीज हेल्प करें JDC को। लोगों की मदद कर रही है, और मैंने उनको हैदराबाद में भी देखा है, वो हर फैमिलीज को जाके वो अपना राशन तकसीम कर रहे हैं। वो बहुत ही इंसानियत के लिए बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। ज़फ़र अब्बास साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनकी मदद करें। JDC फाउंडेशन को, ज़फ़र अब्बास साहब को, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आपको इसका जजाय खैर दे कि उन्होंने ये राशन भेजा है मेरे मोहल्ले में जो मुस्तहकीन फैमिलीज हैं, और ये 50 घरों के लिए राशन भेजा है। पर्सनली ज़फ़र अब्बास साहब जो कि NGO JDC के रूह है रवा है, उनको जानता हूँ। हल्फिया बात कहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम ऐसे लोग देखे हैं जिनके दिल में इंसानियत का इतना दर्द। मैं JDC की तमाम टीम और स्पेशली ज़फ़र जो हैं उनको अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ। मेरी बेताशा दुआएं हैं उनके लिए कि जिस तरह का वो काम कर रहे हैं। अगर ज़फ़र अब्बास जैसे ये होनहार बच्चे जो मिडिल क्लास और हमारे जैसे खानदानों से निकले हुए हैं, इनकी खिदमत हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, ये हमारे ही लोग हैं। ज़फ़र अब्बास साहब काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। किसी के घर तक खाना पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम है। इस्लाम का जो पैगाम है, यानी रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, इन सबसे बढ़ के ज़फ़र साहब आप जो काम कर रहे हैं वो बेहद काबिल तहसीन है। आज कल ज़फ़र एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो ये कि इन कोरोना के बुरे दिनों में उन परेशान हाल लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं कि जो मांग नहीं सकते। मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत बड़ा काम है। इसी तरह से लोगों की मदद करते रहिए, और मैं लोगों से भी अपील करूंगी कि जितना ज्यादा हो सके इन लोगों को डोनेशन दीजिए, क्योंकि जो लोग अच्छा काम कर रहे हो उनके साथ अच्छा काम जरूर करना चाहिए। और JDC के तमाम मेंबर्स को मेरा सल्यूट और मेरा सलाम। ज़फ़र भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ज़फ़र अब्बास, आप और आपकी टीम पूरे कराची में, हैदराबाद में, सिंध में, जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं आप जा रहे हैं, और गरीब मुस्तहकीन को जो है वो सामान पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, और JDC आप एक आम इंसान थे, और आपने एक आम शहरी होने के नाते अपना बहुत बड़ा फ़र्ज निभाया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ ज़फ़र का, और जितनी भी इस वक्त उसकी मेहनत है वो हम सबके नज़रों के सामने है। जिस ऑनेस्टी से ये लोग काम करते हैं, इनके वॉलंटियर्स, और स्पेशली उस तबके को जो इस टाइम इस मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिस ऑनेस्टी से, तो इन तमाम वॉलंटियर्स को जो जो JDC का हिस्सा है उन तमाम को रमनदूर का सलाम और हेड्स ऑफ। ह्यूज शाउट आउट टू JDC, कितना ज़बरदस्त काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, और कितने मुस्तहिक लोगों को घरों पर राशन पहुंचाया जा रहा है, और भी इतनी चीज़ें हर वक्त ही कर रहे होते हैं, आपको सलाम है। JDC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कराची के कोने कोने तक राशन पहुंचाने का, डोनेशन पहुंचाने का काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़फ़र अब्बास साहब की, और मैं आपको सलाम पेश करना चाहूँगी और आपकी पूरी टीम को, जिस तरह आप लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, किसी एक फ़िरके के लिए नहीं, किसी एक मज़हब के लिए नहीं, किसी सियासी जमात के लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए। मैं ख़ास तौर से ज़फ़र साहब को मुबारकबाद देता हूं, और इस पूरे इदारे के तमाम मेंबरान को, जिस मेहनत, मुशक्क़त और जिस दिलजोई के साथ है, हर एक की जिस तरह से वो मदद कर रहे हैं, मैं सलूट करता हूँ ज़फ़र साहब को और उनकी पूरी टीम को और उनके पूरे इदारे को। JDC वेलफेयर फाउंडेशन गरीब और मुस्तहक लोगों के लिए बहुत सारा काम कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब JDC के ज़फ़र अब्बास भाई का, आप सब संकारों के साथ हैं और सभी लोगों के साथ हैं, तो हम लोग भी हर तरीके से आपके साथ हैं, और जब भी आप जहाँ भी बोलेंगे मुझे आवाज़ देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए हाजिर हूँ।
जो साहिब सितात हैं और जो मदद कर सकते हैं जे डी सी फाउंडेशन की, तो प्लीज़ मदद कीजिए।